मेरा फोन गिर जाएगा, पता है इतना इतना महंगा फोन। कट इतना जल्दी कहाँ लगा हुआ? देख सकते हो लाइव शूटिंग चल रहा है, कॉल डायरेक्टर और सभी लोग हैं। तो सती जी का मेकअप हो रहा है, देख सकते हो। उस मेकअप के बाद देखना है ये बंदा करके क्या दिखाता है हमें, चुम्मा के लिए कितना पैसा लाया है। इसी का गाना है चुम्मा, तो देखते हैं चुम्मा ले पैसा ला दे, देखते हैं। आप लोग देख सकते हो ये मेकअप रूम में मेकअप के फुल तैयारी के साथ। देखते हैं क्या थोड़ा सा भाई, दो दूसरे भाई सन्नी का। हाँ हाँ, तो अब हो ही हुई इतना यार, ले जाना है ना। अब यहाँ पे सन्नी का मेकअप, सन्नी डांस दिखाना। दिख रहे उसमें तो यहाँ पे सन्नी भाई का मेकअप चालू होते हुए देखते हैं। तुम्हारे पास था ना वो गूगल भी था ना? वो एप्पल वाला है। ये हमारे धनराज भाई शर्मा म्यूजिक के ओनर। ये हमारे भाई गुरु जी हैं। एक हाथ से पकड़ दे रहा है मुझे, पूरा मत लगा। लड़की अपने पास अब देख ले, खुल रहा है ना। हेलो रेडी, एक तो बात अंजलि होगी और कौन लड़के जो डांस कर रहे हैं। साड़ी में नहीं है, साड़ी में दोनों को मैं वहां अंदर करने के लिए।
दिल्ली वाले दिल का भी दिखाओ यार, क्या लगवा रहे हो? ये लो जाओ। दोस्तों देख रहे हो यहाँ पे हमारा शूटिंग का, तो खुद ही गांड पड़। अरे हेलो 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 हेलो, हाँ भैया, हाय 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 हाय। ये हम गांव में आए हैं, धनराज का गांव है ये, और धनराज के रिश्ते की बात करने के लिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देख सकते हो लाइट लगी हुई है साथ, और सतीश और इसको बच्चा समझने की भूल ना करें, ये बच्चा नहीं है, ये अंकल जी, ये बच्चा नहीं है, ये बच्चों का चाचा है, दो तीन बच्चे का। यहाँ पे देख रहे हो ये कपड़े चेंज कर रहे हैं, जो भी इस भाई का लोग देख रहे हैं, इसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं हम जल्दी। हेलो, कुछ ना कुछ करो, आज ये कह रहे हैं होटल जाने के लिए, लेकिन देखेंगे लेके जाएंगे अगर दिल करा तो। दोस्तों देखो एक्चुअली हो चुका है, यहाँ पे रात हो चुका है और हम लोग यहाँ से होटल में रुकेंगे। हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये बंदा है और इसकी फ्रेंड है एक, और एक छोटा सा एक पार्टी रखे, पार्टी नहीं मतलब केक काटना है। और देख रहे हो यहाँ पे पूरी टीम हमारी सारा म्यूजिक टीम की सब यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं, और अभी थोड़ी बहुत देर में कटेगी और आपसे मैं भी बटेगी, मतलब हम खाएंगे आप लोग भी खा लोगे, तो अभी देखते जाओ यहाँ पे। और ये छोटा सा ताजमहल है यहाँ पे, और देख रहे हो आप केक, अब आप लोगों को मैं केक, ये जो देख रहे हो पूजा माई बेस्टू है, और इस केक का पूरा हकदार ये बंदा है, ये शख्स है, ये शख्स को आप देख रहे हो केक का हकदार है। और ये पीछे है बंदे, ये जितने भी है सब इस केक का हकदार, क्योंकि कटेगे तो भाई बटेगे सब के सब खाएंगे। तो आप लोग इस ब्लॉग में ऐसे बने रहो, इस वीडियो में पूर मजे। ये बंदा देखो अब डांस करके दिखाएगा, वाह क्या बात है, करो करो करो, डांस करके दिखाएगा आप लोगों को। या जी या, बहुत ही अपने आप में बहुत खुश है, क्योंकि पूजा मैं समझ सकते हो, पूजा जिसका नाम हो। नमस्कार दोस्तों, नए से ब्लॉग में स्वागत है हमारे। तो आज मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ धनराज भैया के चैनल से। नहीं नहीं तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, आज जो है पूजा कटेगी केक, और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में। देखो ये हमारी केक है, और इस केक में तो भाई सो सबसे पहले कौन खाएगा आप समय से कमेंट करके बताना, वैसे खाके तो हम लोग ही देंगे आप लोगों को। तो बहुत ही ज्यादा मैं आज एक्साइटेड हूँ, आज से भी ज्यादा आप लोगों को संडे को देखने को मिलेगा, क्योंकि संडे को कुछ अलग सरप्राइज है बहुत ही तगड़ा वाला। देख रहे हो हमारे देवराज जी कितने मेहनत करे, ये हमारी शर्मा म्यूजिक फैक्ट्री टीम की पूरी मेंबर आ चुके हैं, बल्कि अभी भी कुछ लोग है इधर उधर है, अब नहीं आ रहे तो हमारी कोई गलती नहीं है। और आप लोगों को अभी देखने को मिलेगा, फोटो हटा दे, रोक दे, 1 2 3 ये मत सोचना है कि ये भाई भूल गया था, हम लोग कुछ प्लान बना कर मतलब सोचे थे, और वो प्लान हमने करके दिखाया कितना लेट होने के बाद जी थे हम केक काट रहे हैं, और ये भाई भूलता नहीं है किसी को, बहुत मतलब जैसा दिल का बंदा ना वही। मुझे लगा कि मेरा फ्रेंड भूल गया है, लेकिन मेरा नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, आप इनसे पूछ सकते हो, ये भी पूछ सकते हैं। फेस तो दिखाना, पहले फेस तो दिखाना।
आपके नाम का कट रहा है और यहाँ सब में बटेगा चल आपको वीडियो के तौर पे आप खा लेना अभी खा लो पहले निकाल कर उनको खिलाओ स्वाद हम लेंगे उनको बस दिखाएंगे दर्शाएंगे चॉकलेट आपको पसंद है माय डियर खिलाओ उनको खिलाओ खिला दिया उनको कैमरा का पास लगा जूम करके आय आय पूरा पूरा जा रहे हो ध्यान से कोई गर्मी हो गया पंखा बंद ब्लॉक चल रहा है अरे वो बड़े भैया बड़े भैया अरे खाओ यार इतने दिन के हमारे घर में केक कटा है गरम जा हम भी खाएंगे क्या चलो रुको ना अभी कहाँ चालू करा दोस्त कैसे आप सब देख रहे हो मैं लोकेशन आया था देखने के लिए यहाँ पे शूट के लिए और आप लोग देख रहे हो ये लोकेशन हम लोग देख रहे हैं धनराज शर्मा मैं धनराज शर्मा जैसे कि आप लोग जानते हो और हम एक लोकेशन आए देखने के लिए और ये लोकेशन आप लोगों को भी दिखाऊंगा बहुत जल्द और आओ आप लोगों को और दिखाते आगे पीछे जैसे कि आप लोग देख रहे हो काफी अच्छा लोकेशन है और ये साथ में हमारे वाईके जी देवराज जी सॉरी तो दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाया काफी चारों तरफ से काफी अच्छा लोकेशन है और आप देख सकते हो हाँ तो वही बात है मतलब अभी है नहीं है नया लंच के टाइम आएंगे ना नंबर लंच के टाइम आएंगे लंच यहाँ पे देखो दीपक पांडे जो कि फुल एंजॉय के साथ बता रहे हैं यहाँ कटेगा यहाँ कटेगा और ये मत देख रहा जी लवर पॉइंट है कुछ भी करो काफी अच्छा है एक बार देखते हैं अपने दोस्त जैसे कि आप लोग देखे इस ब्लॉग में और देख सकते हो पीछे और कुछ धमाका होने वाला है तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है आप लोग बस ब्लॉग पे बने रहे और ब्लॉग में फुल मजा आएगा आपने इतने सारे लोकेशन देखा यहाँ का और इधर दिखा सकते हैं आप लोगों को उस वाले फार्म में भी खाना दूसरे वाले औरों के बराबर में तो ठीक है ऐसे था फूड बना हुआ था अब हम लोग जा रहे हैं देखते हैं उसमें और देखते हैं उसमें वोट चल जाएगा हाँ इसके पीछे होगा पीछे चलो अब दूसरी दिखाते दोस्त इस फार्म में तो जितनी भी तकरीबन हम लोग दिखाए लोकेशन और भी है पीछे लेकिन अब चलो दूसरे फार्म देखते हैं दो चार फार्म में आज देखने आए हम लोग क्योंकि कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करना है और उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन चाहिए तो आओ देखते हैं Thank you.
अमरजीत दादा का लाइन मारा था देखो अमरजीत दादा ए अमरजीत दादा एना देखी गाइस जैसे कि देख रहे हो मैं तैयार हो गया हूँ और आज का ब्लॉग में आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा क्योंकि मैं दिल्ली से चल के बिहार को जाऊंगा आप लोग देखना तो हेलो गाइस जैसे कि देख रहे हो हम लोग जो है यहाँ से निकल चुके हैं आप लोगों को आज का ब्लॉग मैंने बताया था कि ट्रेवल के लिए बुक ब्लॉग होगा और इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे दिल्ली से बिहार साथ में देख रहे हो ये पंडित जी हमारे साथ में हमेशा ही रहते हैं थोड़ा लेट से ही और आप लोगों को दिखाएंगे आओ जैसे कि देख रहे हो ये पहाड़ है पहाड़ कचरा का पहाड़ दोस्तों इस ब्लॉग में आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे चीज मिलेगा पूरा ब्लॉग देखना पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग और ये देख सकते हो नदी है यहाँ से ये आप लोगों का बाईपास भी आ गया है देख सकते हो ये दिल्ली का कुछ नज़ारे देख रहे हो दिल्ली का बहुत ही वजीरपुर मार्केट है जो यहाँ से आजादपुर के बाद जो आते हैं वजीरपुर आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा मार्केट है ये वजीरपुर का आप लोग ऐसे लाइन में बने रहो तो दोस्तों आप लोग पूरा ब्लॉग देखो लास्ट तक आप लोगों को पता चलेगा कि हम कहाँ से कैसे कैसे आए और दिल्ली से चल के बिहार को बहुत मज़ा आएगा पूरी ब्लॉग में बने रहना आप लोग फोटो में हेलो दोस्त जैसे कि देख रहे हो मैं रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ और ये रहा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का सीन देख सकते हो आप लोग ये देख
सकते हो। हेलो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूँ यहाँ पे, और अभी मेरा ट्रेन आएगा और यहाँ से अभी आप लोगों को दिखाएंगे, बैठ के चलेंगे। हम लोग बस बने रहना इस ऐसी ब्लॉग में, ब्लॉग आप लोगों को बहुत मजा आएगा यहाँ से बिहार तक। ये साथ में दीपक, तो जैसे कि देख रहे हो लोग यहाँ रेलवे स्टेशन पे हैं और अभी हमारा ट्रेन आने वाला है यहाँ पे, और अभी आप लोगों को दिखाऊंगा हमारा ट्रेन आएगा। इतने नई दिल्ली में वेट कर रहे हैं ट्रेन का, इधर से हमारा ट्रेन आएगा। ये रहा दीपक पांडे। हेलो दोस्तों, जैसे कि देख रहे हो अभी हमारा ट्रेन आ रहा है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो हमारा ट्रेन आप लोगों के सामने अभी आ रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ट्रेन इतने पब्लिक की भीड़ है, देख सकते हो ये हमारा ट्रेन आ चुका है। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे इस डब्बे का कुछ सीन है इस टाइप का। हेलो दोस्तों, जैसे दिख रहा होगा देख रहे हो, हम समस्तीपुर आ चुके हैं और समस्तीपुर से हमारा ट्रेन खुल के दरभंगापुर जाएगा, तो फिर बस देखते हैं, आप लोग लाइव में बने रहो, लोग देखते रहो, मजा आएगा। तो फाइनली गाइस, आप लोग देख रहे हो मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, और देख रहे हो ये मेरा घर है, आप लोग देख सकते हो थोड़ा अजीब टाइप का मेरा घर है, लेकिन कोई नहीं, बहुत जल्द आप लोग जो मेरा वो एक दूसरा घर है, मैं वहाँ पे घर बन रहा है मेरा दूसरा वाला, मैं वो घर आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी तो फिलहाल आप मेरा घर यही देख लो, ये मेरा घर है। तो आशा करता हूँ कि मैं घर पहुँच चुका हूँ, ट्रेवलिंग ब्लॉग में आप लोग देख लिए सब कुछ, और इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही, बस नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ दिखाऊंगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ दीदी का घर, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा तैयारी हो रहा है, ये हमारे जीजा जी बैठे हुए हैं और अभी देख रहे हो सब तैयार हो रहे घर में, दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये पूरा तैयारी के साथ हो रहे हैं, सब निकल रहे घर से, देखो कैसे कैसे तैयारी हो रही, मम्मी है, ये पापा है साथ में, और देख सकते हो यहाँ पे बहन है, ये लोग हैं, अभी सब निकलेंगे और अभी साथ में बिल्कुल यहाँ से भी चलेंगे। आप लोगों को पूरा ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला, आप लोग बस ब्लॉग में बने रहना है। ऐसी देख सकते हो ये लोग सबके सब निकल चुके हैं, इधर को जाएगा और बहुत मजा आने वाला वीडियो में, आप लोग आओ बने रहो, दिखाता हूँ, आओ देख सकते हो ये मेरा घर है अभी पुराना वाला, उधर नया घर बन रहा है। हेलो दोस्त, हम यहाँ से देख रहे हो पैदल को जा रहे हैं, गाड़ी नहीं आ रहा, पीछे कोई सा गाड़ी आएगा तो फिर हम वेट करेंगे, बैठेंगे, देखते हैं क्या होता है थोड़ी दूर चल के। देख सकते हैं दोस्त, अपने गांव में आज पैदल को जा रहा हूँ, कहीं गाड़ी नहीं आ रहा, और देखते हैं क्या होता है, आएगा तो जरूर, किधर भी इधर से तो आ रहा है लेकिन इधर को हमें देखना है। तो देख रहे हो गाइस, अभी हम जाए तो जो ना
अभी हम जो है इस रिक्शा वाले के पास जा रहे हैं, बातें करेंगे कितना क्या लेंगे। लग रहा है ये बेनीपट्टी को जाएगा, लेकिन फिर भी हम इससे पता करते हैं। तो फाइनली गाइस देख रहे हो ऑटो आ रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, और वो ऑटो आ रहा है, उस ऑटो में हम लोग बैठेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, आप लोग बने रहे ब्लॉग में, दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और देख सकते हो बाकी आप लोगों को दिखाएंगे, बने रहना। देख सकते हैं दोस्त यहाँ पे कुछ एक गांव घर का खेत का नजारा है और बहुत ही देख सकते हो, मैं लोगों को दिखा सकता हूँ। भट्ठा कहते हैं ये हमारे गांव घर का चौल है बात जिसको बोलते हैं, और बने रहे। यहाँ पे बहुत सारे वो है, और यहाँ पे हमने दूसरा ऑटो चेंज किया है और हम दूसरे ऑटो में बैठ चुके हैं, और फिर देखते हैं क्या होते हैं। देख सकते हो दोस्तों इस चौक पे हम, ये कोकला चौर है, जो लोग इसको जानते होंगे, हम कोकला चौर पर हैं। अभी थोड़ी देर में हमारा ऑटो चलेगा, फिर चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को इधर को जाएंगे। हमारा यहाँ पे मिठाई तो ला रहा है, अभी मिठाई ले रहे हैं दीदी के घर के लिए, देख सकते हो। तो ये पापा, वहाँ पे बाहर में जीजा, और देखते हैं क्या होता है। हमने 1 किलो मिठाई करवा दी है। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो आज को लोग हम यहीं ख़त्म करेंगे। दीदी का घर आ चुके हम लोग, ये जीजा है, और हम घर पे आ चुके हैं। तो ये ब्लॉग आज ख़त्म करेंगे, दूसरा वीडियो आप लोगों को फिर कल दिखाएंगे। तो हेलो गुड मॉर्निंग, इस ब्लॉग में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा, और आप लोग बस बने रहो देखते हैं। साथ में हमारे वाई के जी देवराज जी, काफ़ी इंटरटेनमेंट होने वाला है ये ब्लॉग, क्योंकि हम न्यू दिल्ली की ओर जा रहे हैं मॉर्निंग के 5:15 बज रहे हैं, और देखो काफ़ी अच्छा लाइव में बने। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। ये मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं, और आप लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ कुछ शांतिवन, जो कि राजघाट के बगल में है, और यहाँ के कुछ नज़ारे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सुबह 5 बजे का टाइमिंग है, और आप लोग देख सकते हो आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप लोगों को यहाँ से सफ़र कराते ले जाऊँगा न्यू दिल्ली की ओर, बहुत मज़ा आएगा। बने रहो आप लोग लाइक में, देख रहे हो आप लोग सुबह के 5 बज रहे हैं। वाओ, ठंडे ठंडे हवा, क्या मौसम है, देख रहे हो वहाँ पे कुछ लोग घूम रहे हैं, और आप लोगों को बहुत मज़े आ लेंगे। हाय गाइस, जैसे कि आप लोगों को अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि सुबह कभी 5 बज रहे हैं, और अभी जैसे जैसे मौसम फ्रेश होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग पूरी लाइव में बने रहो, देख सकते साथ में वाई के जी देवराज जी, जिनका सॉन्ग आप लोग सुने होंगे। तो आप लोग लाइव में बने रहे, मैं आगे और भी दिखाऊँगा। न्यू दिल्ली जो कि सामने आप लोग देखना बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, ओला कुआँ है, न्यू दिल्ली है। तो हम लोग जो है न्यू दिल्ली, हमें न्यू दिल्ली जाना है, आप लोग देख सकते हो ये रहा न्यू दिल्ली, हमें न्यू दिल्ली जाना है, और हमारी गाड़ी पंचर हो गई है। तो मैं आप लोगों को अब जो है दिखाऊंगा, ये देखो आप लोगों को ये शायद राजघाट ही है, और मैं आप लोगों को ये राजघाट दिखा दूँ सुबह के, जो कि 5:07 हो रहे, और इस टाइम ये राजघाट का कुछ नज़ारे हैं जो कि आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हो। देखो बहुत काफ़ी अच्छा दिल्ली में है राजघाट, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता दूँ। ये रेड लाइट हो गया है, तो आओ ब्लॉग में आप लोग बने रहो और आगे फिर दिखाते हैं। यहाँ पे रेड लाइट हमारी खुलने के बाद अब हम यहाँ से देख रहे हो ये राजघाट का ही कुछ नज़ारा है, और अब यहाँ से हम लोग अब यहाँ से टर्न लेके और न्यू दिल्ली की ओर
बढ़ते हुए जा रहे हैं। सामने को देख सकते हो नज़ारा काफ़ी अच्छा है दिल्ली का। और यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ जो वो स्टेडियम है दिल्ली में फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, वो भी अभी इस रास्ते में भी आएगा, देख सकते हो आप लोगों को दिखा दूँ मैं। तो इस रास्ते में अभी फिरोजशाह कोटला स्टेडियम जो कि अभी आएगा उसका एक गेट नंबर अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दिल्ली में राजघाट के बगल में पड़ता है, बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ राजघाट के बगल में फिरोजशाह कोटला स्टेडियम है और आप लोगों को दिखाऊंगा। बस थोड़ी से आप लोग लाइव में बने रहे। ये रहा आप लोग देख सकते हो लाइट लगा हुआ है उसी का, और अभी मैं दिखाऊंगा स्टेडियम। हाँ ये है ना, थोड़ा सा दिखा स्टेडियम, ये रहा स्टेडियम का, देख रहे होगा कुछ बिल्डिंग आपको, ये दिल्ली गेट है स्टेडियम का, इसमें यहाँ से एंट्री होती है उस तरफ 18 नंबर गेट है। ये स्टेडियम बगल ये फुटबॉल वाली स्टेडियम है, आप लोग देख सकते हो वो पीछे वहाँ स्टेडियम दिख रहा होगा दिल्ली की है। और काफ़ी अच्छा काफ़ी नज़ारे हैं यहाँ पे, आप लोग बने रहो आगे दिखाते हैं ये नज़ारे मॉर्निंग का। वाओ क्या यार दिल्ली की में काफ़ी, मतलब इस ब्लॉग में आप लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट आएगा यार, पूरा ब्लॉग देखना आप लोग। और सामने देख सकते हो ये बिल्डिंग और हमारी कार आराम आराम से उस बिल्डिंग की ओर जा रही है आराम आराम से। आप लोग देखो बिल्कुल करीब से देखो ये बिल्डिंग आप लोगों को दिख रहा होगा, तो क्या यार बिल्डिंग है देखो क्या मज़ा, वाओ हम ऊपर से देख सकते हो आप लोग क्या मज़ा है देखो। तो आप लोगों ने देखा जैसे कि मैं आप लोगों को जूम करके दिखा दूँ, ज़्यादा ही जूम हो गया क्या, और जैसे कि आप लोगों को पता होगा दोस्त यहाँ पे अब हम आप लोगों को बता, देखो ये हमारी पंचर हो गई है कार और अब आप लोगों को दिखाएंगे हम यहाँ पे आए हैं, साथ में यहाँ पे देख रहे होंगे वाई के जी हैं और अब है बैग में रखा हुआ है पानी का बोतल, हमारे पानी का बोतल कुछ होंगे बैग में दोस्तों। आप लोगों को अब थोड़ा इंटरटेनमेंट भी कराऊंगा यार। हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो अब हमारे यहाँ पे जो है हो गया है और देखते हैं क्या होता है, ऐसा लोग हाय गाइस, ये हमारे पंचर वाले भैया खोल रहे हैं और फिर देखते हैं क्या होता है, बस आप लोग बने रहो ऐसे लोग में क्योंकि दिल्ली हम लोग न्यू दिल्ली के आस पास में ही है। तो फाइनली गाइस हमारी जो यहाँ पे देख रहे हो कि भाई टायर बन चुकी है और हम लोग बस अब यहाँ से निकल चुके हैं और बस पंचर हो गई, पंचर नहीं थी बस वैसे हवा निकल गया था और बस अब यहाँ से आप लोगों को बस थोड़ी सी देर में न्यू दिल्ली और फिर बने रहो बस आप लोग लाइव में। गलत नहीं जा रहे, गलत आ गए हम। हफ्ते में एक बार छुट्टी हर संडे को रहता ना तब अच्छा होता, सही बता रहा हूँ, जो हर हफ्ते में घूमने चलते हैं आराम से संडे को निकालो तब अच्छा लगता है थोड़ा। We'll be right back.
दोस्त, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं जमुना में, आए आप लोगों को दिखाते फिर आगे जमुना का सीन। और ये हमारे साथ देख रहे हो साथ में दीपक और पवन, आओ पीछे के दिखाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि हम आए थे फोटो शूट के लिए, फोटो तो शूट हुआ नहीं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से, और इस भाई साहब का पेट्रोल तो हमने ख़त्म करवा दिए, लेकिन कोई नहीं, अभी हम लोग सड़क पे जा रहे हैं वहाँ पे फोटो शूट करेंगे, क्योंकि पीछे जो जमुना आप लोगों को मैं दिखाया वहाँ पे फोटो शूट नहीं कर पाए, कुछ प्रॉब्लम था मैं बताऊँ आपको, और इसलिए वहाँ पे ना होगी, अभी सड़क पे ले रहे वो आप लोगों को दिखाएंगे, भाई दिखाते हैं। अभी आप लोग देखते हो इसको तो आप लोग जानते होंगे दीपक है, कोई नहीं वो करने जा रहा, थोड़ा सा उनको लग गया था बहुत तेज, तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बारिश का भी मौसम हो गया, बारिश हो रहा है आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा मौसम चेंज होगा, लेकिन कोई नहीं एक आध फोटो क्लिक करेंगे जल्दी से फिर निकलेंगे, क्योंकि इधर जमना था दिखाएंगे, देखते रहिए। तो ये कैमरा निकाल रहा है पवन भाई, और यहाँ पे देखो अभी कैसे कैसे फोटो शूट करेगा ये लोग, और साथ में आप लोगों को दिखाएंगे, ये हमारा DSLR है, और इसके साथ साथ अभी फोटो शूट, लेकिन थोड़ा सा बारिश हो रहा है, डर भी है, लेकिन कोई नहीं दोस्तों आप लोगों को बीच में फोटो के लिए आए तो फोटो तो दिखाएंगे, बस आप लोग ऐसे देखते रहो, बोलो को मजे लो, जमुना काम आए थे फोटो खींचे, पवन का मुझे को कैसा लग रहा है, टेंशन उदास हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखो आप लोगों को यहाँ पे देखो, ये हमारा पवन फोटोग्राफर, ये बताएगा भी कैसे कैसे फोटो शूट करना है, यहाँ पे बारिश का भी मौसम थोड़ा सा तेज सा हो रहा है, ये पवन बता रहे हैं कि यहाँ पे इसको ऐसे बैठना है, ऐसे फोटो शूट होगा, यहाँ पे देखो दोस्त कैसे आपको बताया जाएगा, ऐसे बताए जा रहे हैं, देखो यहाँ पे ऐसे बैठना है, मुंह में का वो हटा लेना है, देखो पवन कितना दूर से लेगा, इतना दूर से ले रहे हैं पवन, मैं भी आपको दिखाऊंगा, ये देखो यहाँ से पवन ऐसे, पवन ले लिया है एक, अब मैं देखता हूँ एक और फोटो आप लोगों को दिखाऊं, थोड़ा सा धुंधला का फर्क पड़ रहा है, जैसे फोटो क्लिक हो रहा, अब देखतेगा फोटो देख सब फर्क पड़ रहा दोस्त, कोई नहीं डोंट वरी, अब यहाँ पे एक बार मैं फोटो करवाता हूँ, अब दीपक फोन पकड़ेगा, तो आए आप लोगों को दिखाते हैं, देख रहे धनराज जी कैसे पोज कर रहे हैं। यार 3 बजे का टाइम दिया था, तक आए नहीं, कहाँ रहेगी। हेलो, हाँ अरे यार आ जाओ ना, कितना लेट बताओ, 3 बजे का टाइम दिया अभी तक आप आए नहीं। अरे आ गई बाबू, बस 2 मिनट जल्दी आ जाओ यार, देखो मुझे जाना भी था इसलिए जल्दी आओ। आ गई कितना चिल्लाते हो फोन पे, हैं टाइम नहीं दिख रहा है क्या आपको, 3 बज गए बताओ।
इतना इतना वेट करवाओगे बताओ कैसे काम चलेगा। अच्छा इतना गुस्सा करोगे? हद नहीं है क्या गुस्सा करने का? है ना, वो क्या करूँ, निकल ही नहीं रहा था घर से, वो 12 बजे तो जॉब पे गया है, उसको तो इतना बहाना बना मेरी तबीयत खराब है ये वो, तब भी आजकल तो पता नहीं क्या कुछ समझ नहीं आता, अब उधर बहाना बनाते हो इधर मुझे लेट करवाती हो, बताओ इतने बेचैन रहते हो क्या मेरे लिए? दीन नहीं करती मेरी, इतना मत फेंका करो यार, आपसे विश्वास नहीं हो रहा, सोच लो क्या देख लो। अच्छा कुछ मंगा के खाया नहीं अभी? मोमोस। ओए बेटे, हाँ जी, रहन दो, अरे खा लो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बाद में खा लेंगे, खाने पीने के बाद, बाद में खा लेंगे, ना पहले बातें कर लेते हैं बाद में खाएंगे, ठीक है? उसे ऑर्डर कह दो कि 2 प्लेट मोमोस ले आएगा। लियो भाई। ओके सर। पता है आपको यार, मेरा मन कर रहा कहीं घूमने चला जाए, मौसम भी सही आ रहा है, वो पता होगा। हाँ मौसम तो कभी रोमांटिक हो रहा है, चलो आओ कहीं घूमने का प्लान करते हैं, देख लो हो जाए तो। कहाँ चले? अरे वो तो टेंशन मत लो, कहीं ना कहीं निकाल लूँगा, लेकिन आप वहाँ एंडल कर लो ना, देख लो। मेरे को बोल रही थी मेरी तबीयत खराब है, ये तो यहाँ बैठी हुई है, और ये लड़का कौन है? हा? मेरे को बोलती है तबीयत खराब है, अगर यहाँ पे बोले कौन थे तू, तो मेरे को कह रही थी कि मेरे को मेरी तबीयत खराब है, तू बीमार है और तू यहाँ लोग गुलछली उड़ा रही है। अरे वो मेरा भाई था भाई के साथ यहाँ मौज मस्ती कर रही है, मैं तो जाता हूँ ड्यूटी करने और तू यहाँ मौज मस्ती करती है।